हेलो गाइस आज मैं जिस ट्रॉमे की एपिसोड 19 एंड 20 की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम नाइट ऑफ लव विद यू है इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एपिसोड 18 का कहाँ पर एंड हुआ था वो बता देती हूँ उसमें हुआ था कि सॉन्ग ने लियो चिंक को एक टॉक्टर के सहारे किडनेप करवाया था और फिर लियो चिंक के पास आकर बैठ जाती है और बातें वगैरह सुनाना शुरू हो जाती है जिस पर लियो चिंक कहती है की तुमने ही मिसेज मियो को मारा और की तुम पागल हो तुमने म्यू नैनचिन की खाते मिसेज को ही मार दिया जिस पर सॉन्ग कहती है कि मैंने म्यू के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए मिसेज म्यू को मारा और ये कहते हुए साथ ही इंजेक्शन दिखाना शुरू हो जाती है की तुम्हें ये लगाते ही मार दूंगी जिस पर लियो चिंग पीछे से एक कटर से अपनी रस्सियों को काट रही होती है सॉन्ग की बातों के दौरान ही लियोचिंग सॉन्ग के गले पर वो कटर रख देती है जिस पर सॉन्ग कहती है की तुम मुझे मारोगी क्या लीडिंग रोल भी किसी को मारता है जिस पर लियोचिंग कहती है तुम क्या कह रही हो और फिर सॉन्ग कहती है कि हम हमेशा स्पोर्टिंग रोल ही किसी को मार सकता है लीडिंग रोल नहीं और ये कहते हुए सॉन्ग कहती है की तुमने पहले मुझसे मेरी जिंदगी छीनी अब मुझे तुमसे मेरी जिंदगी वापिस चाहिए और यही से हमारी नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो जाती है जिसमे सॉन्ग सब बता रही होती है की मैंने तुम्हें तुम्हारे डायरेक्टर से बातें करते हुए सुन लिया था जिसमे तुम कह रही होती हो की मुझे ली और चिंग के करेक्टर में नहीं आना था बल्कि सॉन्ग के करेक्टर में आना था और फिर हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने मिसेस म्यू को किस तरह मारा था और वहाँ से सील और कप उठा कर ले गई थी और सीसीटीवी कैमरे के रूम में जाकर सारी फुटेज डिलीट कर देती है और फिर सॉन्ग लियोचिंग को कहती है कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि लिंग यहां को मैंने उसके सीन में फंसा दिया है जिस पर हमें लिंग यहां दिखाया जाता है लिंग यहाँ अपने ही करेक्टर से उठने के लिए लड़ रहा होता है और उठने के लिए इतनी कोशिशों में लिंग यहान को लियोचिंग की बातें याद आ रही होती है जिसमें लियोचिंग ने लिंग यहान को कहा था की जब स्टोरी स्टार्ट हो जाए तो रुकती नहीं है और ये सब बातें याद करते हुए भी खड़ा हो जाता है है और अपने हाथ से एक रिंग उतार के नीचे टेबल पर रख देता है और माइक पर बोल के जाता है कि मैं म्यू फैमिली की नाजायज उलाद हूँ वहाँ से चला जाता है और वहां से जाने के बाद हमें सॉन्ग और लियोचिंग दिखाए जाते हैं सॉन्ग लियोचिंग को नाइफ से मारने की कोशिश कर रही होती है जिस पर लियोचिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और इतने में सोंग जब लियो चिंग को मारने लगती है तो लिंग यहां सामने आ जाता है जिसकी वजह से लिंग लिंगयाहन के पेट में वो नाइफ लग जाती है और लिंग लिंगयाहन सॉन्ग का वो ही इंजेक्शन पकड़ कर सोंग को गले से पकड़ता है और कहता है की क्या तुम्हे लगता है की तुम जिंदा बचोगी और सोंग के गले पर वो इंजेक्शन लगा देता है जिस पर सोंग वही पर गिर जाती है और लिंग यहाँ पीछे होकर गिरता है तो लियोचिंग उसे पकड़ लेती है। और कहती है कि तुम मुझे क्यों बचाने आए जिस पर लिंग लिंगयाहन कहता है कि जिस टाइम तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लगता है मैंने उस बात को बहुत सीरियस ले लिया और ये कहते हुए बेहोश हो जाता है और लियोचिंग लिंग यान को इतनी आवाजें देती है जिस पर लियोचिंग का भाई लियो चेंग आ जाता है और कहता है सिस्टर क्या हुआ है जिस पर लियो लियोचिंग कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से बाहर जाना है और वो दोनों लिंग यहां को वहाँ से उठाकर बाहर ले जाते हैं और फिर हमें लियो लियोचिंग लिंग और लियो चेंग लिंग के असिस्टेंट कैविन की गाड़ी में बैठे दिखाई देते हैं जिस पर कैविन कहते हैं की हमें लिंग को उनके घर वापिस लेके जाना चाहिए और इतने में न्यूज आ जाती है की लिंग यहान ने अपनी आइडेंटिटी सॉन्ग ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में बता दी जिसे म्यूनेचिन भी देख रहा होता है और ये सब बातें सुनने के बाद लियो चिंग कहती है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए जिस पर लियो चैंग बोल पड़ता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर हम लिंगयाहन को ले जाते हैं जिस पर लियो चिंग मान जाती हो जब वो उस जगह पहुँचते है और वो काफी सस्ती जगह होती है जिस पर लियो चिंग कहती है ये कैसी जगह है जिस पर कैवन कहता है की अभी हमें लिंगयाहन को पट्टियाँ वगैरह करने की जरूरत है जिसकी वजह से हम यहाँ पे भी रुक जाएंगे और फिर वो सब लिंगयाहन को बेड पर लिटा देते हैं और लिंगयान का असिस्टेंट कैविन कहता है कि मैं बचपन से लिंग यहाँ के साथ काम करता हूँ कि मैंने लिंग यहान के मुंह से हमेशा यही सुना है कि मैं म्यूनचिन से हर चीज छीन लूंगा तो अब इन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील कर दी और फिर कहता है कि अब लिंग यहाँ को रेस्ट की जरूरत है जिस पर लियो चिंग कहती है की मैं इसके साथ रहूंगी तुम सब यहाँ से चले जाओ और ये सुनने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और लियोचिंग लिंग यहान के पास बैठ जाती है और फिर हमें म्यूनेचिन दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि लियो का तुम्हें पता है जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि लियो चिंग और उसका छोटा भाई चार दिन से गायब है और साथ में लिंग यहां भी नहीं मिल रहा जिस पर म्यूनचिन सोचना शुरू हो जाता है ये लियो चिंग यहाँ से इस तरह क्यूँ भाग गयी और फिर उसे सॉन्ग की बातें याद आ रही होती है जो लियो चिंग को मेरे सामने ही ड्रा धमका रही होती है और ये सब बातें हो ही रही होती है तो सॉन्ग एक कप में कॉफी लेकर आती है जो म्यूनचिन के सामने रख देती है और म्यूनचिन सॉन्ग को बताता है कि लिंग यहाँ और लियो चिंग नहीं मिल रहे और साथ में उसका छोटा भाई भी नहीं मिल रहा जिस पर वो कहती है लियो चिंग और लियो जिंग भाई छोड़कर चले गए होंगे जिस पर म्यूनचिन कहता है कि तुम्हें लियो चैंग का नाम किस तरह पता लगा और तुम्हारा क्या कोई हाथ है उनको गायब करने में जिस पर सॉन्ग कहती है की क्या अभी भी आपको लियो चिंग पर भरोसा है उसने ही मिसेज म्यू को मारा है जिस पर म्यूनचिंग कहते है की कि अभी किसी बात का कोई सबूत नहीं है की किसने किसको मारा है जिस पर सॉन्ग बोलना शुरू हो जाती है म्यून तुम्हे पता है की मै हूँ जो तुम्हे इतना प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्यूँ नहीं तुम मुझसे शादी कर लेते जिस पर म्यूनचिंग कहता है की अगर लियो चिंग न भी आती तो तब भी मैं तुम्हे कभी लाइक ना करता और ये सब बातें सुनने के बाद सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और फिर हमें लिंगयान और लियो चिंग दिखाई जाते हैं और लिंग लिंगयान को होश आ जाती है जिसे आंखें खोलता देखकर कर लियो चिंग उसे उठा कर बिठाती है और लिंग लिंगयान पूछता है कि मैं कहाँ हूँ जिस पर लियो चिंग कहती है कि ये एक छोटा सा होटल है जिस पर लियो चिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ आओगे और इस बात आरोप लिंगयान को याद आता है कि मैंने बेहोश होने से पहले लियोचिंग को क्या क्या कहा था जिस पर लिंग यहान पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाने आया और लियोचिंग कहती है मुझे पता है लिंग यहान हैरानी से लियो चिंग की तरफ देखता है जिस पर लियोचिंग कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे कहता है क्या लियोचिंग कहती है कि तुम मेरे खिलाफ हो गए थे क्योंकि तुम्हें ये सब करने को सौ कह रही थी और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग ना करती तो, तो आज तुम्हें सॉन्ग ये सब काम करने को ना कहती जिस पर पीछे से लियो चिंग का भाई और लिंग यहां का असिस्टेंट भी आ जाता है और लियो चिंक का भाई लिंग यहां को जागता देख कर कहता है ब्रदर इन लॉ आपको होश आ गई जिस पर लियो चिंग उसे ये कहते हुए बाहर ले जाती है की तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है ब्रदर इन लॉ नहीं बल्कि तुम्हें मिस्टर लिंग कहना है और फिर लियो चैंग लियो चिंग को कह रहा होता है की चलो अब खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं और फिर हमें वो सब टेबल पे बैठे दिखाई देते हैं और लियो चिंग से दूर एक डिश होती है जिसे लियोचिंग देख रही होती है तो इतने में लिंग यहाँ लियोचिंग को ऐसे देखते हुए वो डिश लियोचिंग के सामने रख देता है जिसे रखता देकर लियोचेंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और लिंग यहाँ लियोचिंग को कहता है की मैं तुम्हारी दुनिया की अब असल बात जानना चाहता हूँ जिस पर लियोचिंग थोड़ी स्माइल देकर नीचे की तरफ फेस कर लेती है और इतने में हमें म्यूनेचिन और उसका असिस्टेंट दिखाए जाते हैं और म्यूनचिन अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कप्स की तरफ देखता है जिसमें से एक कप मिसिंग होता है जिसे देखकर कर म्यूनचिन कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि ये छह कप थे तो अब एक कप कहा गया अपने असिस्टेंट को कहता है की सब मेट से पूछो की एक कप कहा गया और कहता है की उन्हें ये सब ना पता लगे कि मैं की मैं दत्त की वजह से ये सब उनसे पूछ रहा हूँ और फिर हमें लिंगहन और लियोचिंग दिखाए जाते है लियोचिंग के पहले ना जवाब देने पर लिंग यहान उससे दोबारा पूछता है और इतने में न्यूज आ जाती है कि मिसिज म्यू की मरने की वजह लियो ओ चिंग है और उसे पुलिस ढूंढ रही है पर वो लापता है जिसे सुनने के बाद लिंग यहाँ इधर उधर देखता है तो पुलिस भी वहाँ से गुजर रही होती है जिस पर लिंग यहाँ लीओ चिंग का हाथ पकड़ लेता है और ली ओ चैंग और कैविन इलादा रास्ते पर चले जाते हैं और फिर हमें सॉन्ग दिखाई जाती है और वो इस न्यूज को देख रही होती है और साथ ही वो फोकस उसका पर करवाते हैं जो म्यू नैचिन के घर का होता है और फिर लिंगयाहन और ली ऑचिंग मॉल में छुपते फिर रहे होते हैं तो आगे से पुलिस को आते देखते हैं तो वही से वो एक शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर वो ट्राई रूम में चले जाते हैं और लिंगयाहन थोड़ा पर्दा साइड पर करके बाहर की तरफ देखना शुरू हो जाता है और वो पुलिस वाले शॉप ऑनर से आकर पूछते हैं कि आपने इसको कहीं देखा है जिस पर शॉप ऑनर नहीं का जवाब देती है और लिंगयान इतना देखकर अंदर की तरफ हो जाता है और ली ऑर्चिंग लिंग यहान के सीने पर फेस रख कर सूस करती है कि लिंग यहाँ दिल की धड़कने बहुत तेज चल रही हैं और लिंग यहाँ से पूछता है कि क्या तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है जिस पर लिंग यहाँ पीछे की तरफ हो जाता है और कहता है कि वो सब चले गए हैं और इतने में लिंग यहाँ बाहर की तरफ आता है और शॉप की ओनर उसे देख कहती है की मैंने आपको यहाँ अंदर आते तो नहीं देखा जिस पर लिंग यहाँ कहता है की वो सब पैक करते और लिंग और चिंग भी वहाँ से निकल भागने लगती है तो और लिंग यहाँ और शॉप की ओनर की बातें खड़ी होकर सुनना शुरू हो जाती है शॉप की ऑनर लिंगयान से उसका नंबर मांगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी जिसे सुनने के बाद लियो चिंग लिंग यान के पास आ जाती है और कहती है हनी आपने इतनी देर क्यों लगा दी जिस पर्लिंग यहाँ लियो चिंग की ये बात सुनकर हंसकर कर वहाँ ऐसी चला जाता है और फिर सब जब गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो लिंग यहाँ को म्यूनचिन का मैसेज आता है जिसमे म्यूनचिन उसे मिलने को कहता है और लियो चिंग उस पर कहती है की मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और उसे सब बात साफ साफ बता दूंगी जिस पर्लिंग यहाँ कहते है की तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें अपने आप को अभी छुपाना चाहिए और फिर हमें दिखाते हैं लिंगयान और म्यूनचिन बैठे दिखाते हैं और म्यूनचिन से पूछता है कि लियो चिंग कहाँ है जिस पर लिंगयान कहता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए और ये सब सुनने के बाद म्यूनचिन कहता है की क्या तुम उसको लाइक करते हो जिस पर सीन चेंज होकर लियोचिंग और लियो चैंग के पास आता है और लियो चैंग कहता है की म्यूनचिंग को क्या लगता है की तुमने मिसिस म्यू का कतल किया है जिस पर लियोचिंग कहती है मुझे क्या पता उसको क्या लगता है और पूछती है क्या लियो चैंग तुम्हे लगता है की मैंने उनका कत्ल किया होगा जिस पर लियो चैंग कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता पर हाँ तुम पहले से काफी बदल गई हो पर तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकती जिस पर लियो चैंग हंस कर कहती है कि तुम जितने बुरे भाई लगते हो उतने हो नहीं और दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं फिर हमें लिंग यहान और म्यूनचिंग दिखाई जाते हैं और म्यूनचिंग के लायक वाले सवाल पर लिंग यहां यस कहता है और म्यूनचिन कहता है की मुझे सॉन्ग मिसिज मियो की काती लगती है और कहते हैं की पर मैं इस बात का सबूत कैसे लाऊ जिस पर लिंगयाहन कहते हैं की तुम्हे सॉन्ग को मैसेज करना होगा की मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने लगा हूँ और उसको जिंग बाई के होटल में बुलाना जिस पर यह सुनने के बाद म्यूनचिन वहाँ से चला जाता है और लिंग लिंगयाहन का असिस्टेंट कैविन आकर लिंग लिंगयाहन से पूछता है की आपने ये सब करने को क्यूँ कहा और फिर हमें सॉन्ग दिखाई जाती है जो उसी होटल में म्यूनचिन के मैसेज पर पहुंच जाती है और जब उस रूम में लिंग यहाँ आता है तो सॉन्ग को लगता है म्यूनचिन आया है जिस पर वो खुशी से पीछे देखती है तो लिंग यहाँ को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए जिस पर लिंग यहाँ कहते है कि तुम म्यू को मार कर अपना लोगी, पर ऐसा नहीं होगा और लिंग यहाँ कहता है की मेरे पास वो सील है जिस पर तुम्हारे फिंगर प्रिंट्स और इस पर सॉन्ग कहती है की क्या तुम्हे मैं इतनी पागल लगती हूँ जो तुम्हे हर चीज बता दूंगी और मुझे ये भी नहीं पता होगा की तुमने रिकॉर्डर लगाया हुआ है जिस पर वो रिकॉर्डर टेबल के नीचे से निकाल कर लिंक यहां को दिखाती है और कहती है कि अब मैं सारी रिकॉर्डिंग इसमें डिलीट कर दूंगी और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स आप नहीं चाहते कि मैं आप लोग की मर्जी के मुताबिक न्यू ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करूँ ये ड्रामे की तो कुछ एपिसोड रह गई है तो आप लोग जो जो ड्रामा मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते है वो आप नीचे कमेंट में लिख के जिस कमेंट पे ज्यादा लाइक होंगे मैं वही ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी तो आप अपने ड्रामे का नाम लिखे और अगर आपको वो नाम कमेंट में मिलता है तो आप उस कमेंट को लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको कौन सा ड्रामा चाहिए और आप लोग तो मुझे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे देखो कितने परसेंट मुझे लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते तो जल्दी जल जल्दी मेरे वन के सब्सक्राइबर यार और मेरी वीडियो को लाइक भी करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग